रही हैं। त्याग बिना तप नहीं, तप बिना संयम नहीं, पर नियम बिना तप त्याग संयम सब अधूरे हैं। कान छोड़ते हैं कितनी भी बारिश धूप गर्मी हो, वो पैदल विहार करते हैं, अंजुलि में एक बार आहार लेते हैं। ये सब किसके बल पर? सिर्फ एक कठोर नियम लेने पर वो इसे सरलता से निभा पाते हैं। आज हम जो नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं वो नियम पर ही है। आपने कई नियम सुने होंगे, पर हमारा आज का जो नियम है वो कुछ अलग है। एक सेठ जी हैं, उनका नियम है गधे की सूरत देखकर भोजन जल ग्रहण करना। तो आइए हम देखते हैं कृष्णा मंडल की बहनों द्वारा एक सुंदर छोटे से प्रश्न। अरे मुनीम कहाँ गया? अभी तक नहीं आया। बताओ दुकान लगाने का समय हो गया, ग्राहकों के आने का समय हो गया, क्या करूं मैं, क्या ना करूं मैं? चल। अरे मुनीम जी कहाँ रह गए थे तुम? और तुमने सारा हिसाब किताब गलत कर रखा है। अरे सेठ जी कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, आज मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और तुम देर से क्यों आए हो? मंदिर जी गया था। मंदिर जी? ऐसा है, मैं छुट्टी कर देता हूँ, मंदिर जी में बैठा नहीं हो। कहाँ चला? अरे मैं मंदिर जी जा रहा था, सेठान ने कहा था अष्टदर्श भी चलाना है। सेठानी तो घर पर लुटाने में लग रही है, वो तो सोचती है तेरे घर में धन के भंडार पड़े पड़े हैं। अरे फिर चला? अब कहाँ चला? धर्मशाला जा रहा हूँ। धर्मशाला? तेरी क्या बात आ रही है धर्मशाला में? नहीं, वहाँ मुनि महाराज का संग आ रहा है, ताकि उनके चौके का प्रबंध कर सकूँ। तुझे पैसे मैं दूँ या सेठानी दे? अभी देखता हूँ तेरी सेठानी को। आपकी दान करते हुए इतना बुरा क्यों लगता है? दान? क्या रखा है दान में? जरा मुझे समझाओगी क्या होता है दान से? अरे अब कब समझोगी, बिना धर्म के भी कभी कोई रह पाया है? सेठानी जो मैंने कह दिया सो कह दिया, बस कान खोल के सुन लो। हे भगवान इनको सद्बुद्धि दे। नियम नहीं भूला। हो गए दर्शन,
आप मैं अंजल ग्रहण कर सकता हूँ। अरे गधा कहाँ गया? अरे क्या हुआ? गधा कहाँ गया? गधा तो अपनी जगह नहीं है। मैं रोज दर्शन कर रहा था, नियम का पालन कर रहा था। अरे गधा तो अपनी जगह नहीं है। अरे भाई, अरे किसी ने गधा देखा है क्या? मैं तो थक गया हूँ ढूंढता ढूंढता। अरे अरे क्या होगा नियम का? I'm a dream।